पूर्व विधायक राजू तिमांडे के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति का नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन के दरमियान धरना आंदोलन किए जाने की घोषणा पत्रकार परिषद में की गई। इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता श्याम एडप्पा द्वारा 7 दिसंबर से अधिवेशन स्थल पर अन्य त्याग आंदोलन किए जाने की घोषणा भी की गई। आज 2 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति की पत्रकार परिषद में उपरोक्त घोषणा की गई। हिंगनघाट शहर में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय देने के लिए संघर्ष शुरू है। वर्धा जिला में प्रास्ताविक वैद्यकीय महाविद्यालय को मंजूरी दी गई, लेकिन राज्य सरकार ने वर्धा जिले में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किस शहर में दिया जाए इस पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। इसी को लेकर पूर्व विधायक प्राध्यापक राजू तिमांडे के नेतृत्व में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संघर्ष समिति, महिला कृति समिति और शहर के नागरिक आंदोलन में शामिल होने की जानकारी प्राध्यापक राजू तिमांडे ने आयोजित पत्रकार परिषद में दी। अधिवेशन के पहले दिन 7 दिसंबर को सामाजिक कार्यकर्ता श्याम एडप्पा फिर से अन्न त्याग आंदोलन नागपुर में शुरू करेंगे। 15 दिसंबर को पूर्व विधायक राजू तिमांडे के नेतृत्व में भव्य मोर्चा हिंगनघाट से विधानसभा पर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हिंगनघाट शहर में होने की मांग को लेकर धड़कने वाला है। पत्रकार परिषद में पूर्व नगराध्यक्ष पंडरी काब से सतीश दुबे, वासुदेव पड़वे, अक्षय बेलेकर, सभी पार्टी के नेता और संघर्ष समिति के सदस्य उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।